Today I'm going to tell you about difference between bacteria, PPLA and cyanobacteria. Then bacteria. The bacteria have cell wall and PPLA have no cell wall and cyanobacteria have cell wall. और बैक्टीरिया में क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं. फ्लैजिला एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, पॉली भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं. पीपीएलओ में क्या होता है, फ्लैजिला नहीं होता है. साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता है. और बैक्टीरिया हम लोग के ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों होते हैं. पीपीएलओ को हम लोग माइकोप्लाज्म भी कहते हैं. और साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम निगेटिव होते हैं. ग्राम निगेटिव होते हैं, इससे क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन से बने रहते हैं. इनके सेल वॉल क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन से बने रहते हैं. और जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना रहता है ग्राम पॉजिटिव में, और लिपोप्रोटीन का बना रहता है ग्राम निगेटिव में. उसके बाद पीपीएलओ, पीपीएलओ में क्या होता है, यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता है. और साइनोबैक्टीरिया ग्राम निगेटिव होने की वजह से इन लोग का सेल वॉल क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना रहता है, जो थीन होता है, और लिपोप्रोटीन से बना रहता है, सेलुलोज से बना रहता है. और ये तीनों क्या होते हैं हम लोग के, बैक्टीरिया पीपीएलओ साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. वेदर देयर और क्या होता है, वेदर देयर ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक का दो ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड इज नॉन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, एंड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज नॉन एज हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. तो ये बैक्टीरिया पीपीएलओ साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक या फिर पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक कुछ भी हो सकते हैं. तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है और प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जिनमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाया जाए, उसमें न्यूक्लियोलस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इज नॉन एज दैट ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज प्रोकैरियोट्स. तो उन लोगों को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म.